ड्रोन शॉट्स कैसे लगे पहले ये बताओ। सो ये था मेरा नया ड्रोन जो मैंने अभी अभी परचेज किया है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून और स्वागत है एक और वीडियो में। और आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस पे जो कि है पुणे से लगभग 55 किलोमीटर्स। रास्ता आप देख ही रहे हो, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। वीकेंड है और घर पे बैठे तो मैं टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना डोमिनार को थोड़ा सा लेके जाया जाए ऑफ रोडिंग। प्लस बहुत दिन हो गए थे बाहर नहीं गया था मैं, तो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना गाइस वो एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। वहाँ पे जो कि बैक वाटर्स है पानशेत का, आप वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। कैंपेन के लिए बेसिकली मैं जा रहा हूँ, तो चलते हैं आपको जाके वहाँ पे प्लेस के बारे में दिखाता हूँ, क्योंकि आई एम रियली एक्साइटेड। सो गाइस फाइनली लोकेशन आ गया है मेरा, तो ये है एक दिन का मेरा लोकेशन। और आई गेस दिस इज द पार्किंग। फ्रीक मस्त दिख रहा है और यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। एक्सप्लोर करते हैं, पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। ओहो हो, ये देखो बहुत सही है, फटाफट एक्सप्लोर करते हैं, मिलता हूँ जल्दी। सो गाइस हेलो, फाइनली मैं लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, तो पहले एक्सप्लोर करते हैं लोकेशन थोड़ा सा। और ये यहाँ पे कायकिंग स्पॉट है, यहाँ पे आप फ्लोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा सिनेमैटिक वे में दिखाता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, फिर धीरे धीरे हम धीरे धीरे बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे जो स्पॉट्स हैं कैसे दिखते हैं वो। तो चलो पहले आप देखो फिर मिलते हैं। यहाँ पे ना पूरा गोवा वाली फीलिंग आ रही है। ये देखो पूरे कोकोनट ट्रीज है यहाँ पे, और वो गोवा में एक लोकेशन है ना जहाँ पे दोनों तरफ ट्रीज हैं और बीच में रास्ता है, तो लिटरली वैसी वाली फीलिंग आ रही है। ये देखो ये दिख रहा है आपको, तो ये देखो ये ट्रीज है यहाँ पे और ये मस्त यहाँ पे चलने के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। सो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, वैसा हो गया इस लोकेशन के साथ। और ये देखो यहाँ पे हैमॉक और एकदम जो बैक वाटर से लेक है पीछे उधर पे बनाया हुआ है इसको, और जैसे बैठने की जगह है यहाँ पे, तो सुबह यहाँ पे आके मस्त बैठ सकते हो। सुबह क्या, आप शाम को भी आ सकते हो, जब मन करे तब आ सकते हो, तो इतना परफेक्ट लोकेशन है ना यार ये। हाँ मज़ा इस ये वाला टेंट जो है ये दिया गया है मुझे, तो देखते हैं कैसा है अंदर से। बाहर से तो काफ़ी सही दिख रहा है ये। सो गाइस ये है टेंट, गद्दे और यहाँ पे बेडशीट दिए क्योंकि यहाँ पे बोला था ठंड होती है। तो ये है टेंट, इसका भी एक मस्त निकालेंगे फोटो। और यहाँ पे टेंट लग रहा है एक और, इसका टाइम लैप्स मैं निकाल रहा हूँ, वो भी दिखाऊंगा आपको। सो गाइज हमें जस्ट अभी कैरम बोर्ड ख़त्म किया खेल के, और अब लगी बहुत ज़ोर से भूख, चलते हैं। उन्होंने बोला कि स्टार्टर्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो चलते हैं फटाफट देखते हैं क्या क्या है। और यहाँ पे ये लोग हार चुके हैं, ये दोनों हारे हुए हैं, और मैं और राजू हम जीते। अरे ये कभी मानेंगे नहीं, ये लोग कभी मानेंगे नहीं। तो ये हारे हुए लोग हैं जो इतना उछल रहे, तुम समझ सकते हो ना, ये हम जीते हैं, ये पीछे से जीते हैं, हम आगे से जीते हैं। तो चलो गाइस स्मेल बहुत बढ़िया आ रही है यहाँ से, फटाफट चलते हैं मिलते हैं। हाँ तो बारबेक्यू आई थिंक रेडी है, चलो गाइस। और यहाँ देखो बारबेक्यू भी है, खाते हैं फटाफट, बहुत भूख लगी है देखने के बाद।
सो गाइस फाइनली स्टार्टर्स आ चुका है। ये है यहाँ पे चिकन और वहाँ पे पनीर। आपको फोटो दिखाता हूँ, थोड़ा सा अंधेरा है तो मैं फोटो सेपरेटली डाल दूंगा, लेकिन जितना दिखा आ सकता है उतना दिखाता हूँ पहले आपको मैं। ये है पनीर यहाँ पे, तो एकदम फ्रेश जैसा कि आपने दिखाया था मैंने, एकदम सामने वो लोग इसको बारबेक्यू में सेक रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, बारबेक्यू में तंदूर कर रहे हैं उसको। और यहाँ पे है, यहाँ पे चिकन, दोनों काफी सही है, कृपया हमारे ऊपर दीजिए। हाँ तो दोनों भी काफी अच्छे हैं। सॉरी मैंने अभी तक पनीर ट्राई नहीं किया, चिकन तो बहुत सही लग रहा है, अभी ट्राई करते हैं पनीर वाला एक बार। तो राजू दिस इज अमेजिंग, कैसा लगा? बढ़िया, तो एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। Guys, honestly, बहुत सॉफ्ट है पनीर। तो guys, seriously, जो बारबेक्यू करके दिया उन्होंने नॉन वेज और वेज, चिकन और पनीर, अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने में। तो मैं खाता हूँ और मिलता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि और हाँ ये व्लॉग जो है पूरा कैमरे से निकाल रहा हूँ, तो अगर कहीं कहीं पे डीफोकस होगा तो प्लीज़ यार इस बार छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा और अच्छे से। तो मैं खाता हूँ फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सर्दी में गर्मी का एहसास, ये बॉनफायर के बारे में बात कर रहा है। और कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग फीलिंग है। लाइट से थोड़ा सा रिलैक्स, हां यहाँ पे थोड़ा लोकेशन पे और ब्यूटीफुल स्टार गेजिंग और कैसे ये भी। और हाँ गाइज, कल रात को कैसा था, हम लोग यहाँ पे बॉनफायर में बैठे थे और रात में और अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से मैं खाने के फ़ोटोज़ और वीडियोस नहीं निकाल पाया ज़्यादा। तो यहाँ पे वेज और नॉन वेज के दोनों ऑप्शन हैं, आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। और खाना काफ़ी अच्छा था, जो घर वाला टेस्ट है ना एकदम वही आ रहा था, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा ऐसा मसाले वाला, सो एकदम आप बोले तो एकदम होमली यहाँ पे फीलिंग आती है। और जो ओनर हैं कि उनसे मैंने बात की, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो प्रॉपर्टी है वो 2007 में उन्होंने यहाँ पे आके इसको लिया था, रिसेंटली इसको पब्लिक के लिए टूरिस्ट के लिए खोला है, नहीं तो पहले ये सिर्फ खुद के लिए मतलब उन्होंने रखा था, और बाद में उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कैसे नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप नेचर के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे चारों तरफ कोकोनट ट्रीज़ हैं, वो सब है, तो ये ये सब जो दिख रहा है अभी, थोड़ा सा और लाइट है कि तो मैं दिखाऊंगा, तो ये सब ट्रीज़ हैं, ये इन्होंने लगाए हुए हैं जो कि 12 साल से पुराने हैं, जिनको कि 12 साल हो चुके हैं लगे हुए। तो चलो फिर और बताऊंगा धीरे धीरे, मिलते हैं। और गाइस ये है कुल्हड़ वाली कॉफ़ी, सिप लेते हैं और बताते हैं। ये देखो ना इसका फोटो खींचो। सही है, बहुत सही है। जहाँ पे हम रुके हैं ना, तब तो स्पर्श करके रिजॉर्ट का नाम है, उसके पास एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे हम ड्रोन शॉट्स लेने जा रहे हैं। आई होप अच्छा हो। और ये ट्रेल जो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा ट्रेल है, ये देखो वो जो बीच में दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये आइलैंड है। तो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे आप आ सकते हो, थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगा मॉर्निंग के टाइम पे, अच्छा रहेगा। तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको ड्रोन शॉट्स आराम से, और यहाँ पे लेते हैं कुछ ड्रोन शॉट्स और फिर जाते हैं, उसके बाद हम करेंगे वाटर स्पोर्ट्स। तो मैंने सोचा पहले वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके बाद वाटर स्पोर्ट्स एंड देन ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि भूख ज़्यादा लगेगी ना, ज़्यादा खाएंगे। तो ठीक है, ड्रोन शॉट्स देखो उसके बाद। Thank you.
एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम है, ड्रोन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर जो दिखना चाहिए पूरा ऊपर से वो देखिए कमेंट में बताओ ड्रोन शॉट्स कैसे लगे। हम जा रहे हैं और ड्रोन शॉट्स के लिए, वो एक साथ डालूंगा मैं, बताना सब कैसे लगे, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा ये कमेंट करके नीचे बताओ। आफ्टर अ फ्लाइट ब्रेकफास्ट आ गया हमारा और यहाँ पे है पनीर भुर्जी और इधर भी मंगा सकते हैं, बट हमने सोचा कि हेल्दी खाया जाए थोड़ा सा, वो भी हेल्दी है बट वेज की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गए थे हम लोग क्योंकि कल रात को ही नॉनवेज खाया था। तो शुरू करते हैं, खाना काफ़ी अमेजिंग है, एकदम घर वाला जो टेस्ट है ना वैसा आ रहा है, और सुबह सुबह पराठे और पनीर की भुर्जी मिल जाए तो वाह स्वाद ही आ जाता है। बाद में मिलते हैं फ्लोटिंग गाइस, दिस इज कायाकिंग। मैं अगर मैं वीडियो निकालूंगा तो चला नहीं पाऊंगा, तो आपको वीडियो दिखाता हूं चलाते हुए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले कहीं पे, आपको ये ऐसे पकड़ना है ये, एंड उसके बाद अगर आपको राइट जाना है तो लेफ्ट साइड से करना है, और अगर उल्टा अगर जाना है राइट लेफ्ट साइड में जाना है तो आपको राइट वाला चलाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप दोनों चलाएंगे तो ये धीरे धीरे आगे जाएगी, तो जितना आराम से करेंगे उतना स्मूथली जाएगी ये, काफ़ी डोप। इधर आओ, तत्व स्पर्श भाई साहब, मेरे को तैरना नहीं आता लेकिन फ्लोट करना मजा आ रहा है। लाइफ जैकेट है ना मेरी जिंदगी बदल गई। पहले मैं बहुत परेशान रहता था, पानी से डरता था। जैसे कि नाम है तत्व स्पर्श, तो वैसा ही यहाँ पे आपको फील होगा, पूरा यहाँ पे वाटर है, हवा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लांट से पूरा, तो लिटरली आप यहाँ पे नेचर को फील कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। यस, एलिमेंटल टच जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से मिल सकता है, तो सब कुछ है। मैं अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह दे दूँगा, आपको चाहिए तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, और वीकेंड के लिए ये बेस्ट बेस्ट प्लेस बोल सकते हो यहाँ पे, जो अगर आपको फटाफट ऐसे वीकेंड पे आना है कहीं पे तो ये लोकेशन चूज कर सकते हैं। फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने के लिए अभी फिलहाल टेंट है, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करेंगे लोग और यहाँ पे पॉट्स वगैरह लगाने का प्लान चल रहा है। तो मैं अभी थोड़ा गीला हूँ, फ्रेश वेश होके हम यहाँ से निकलेंगे, तो आपको बाद में मिलता हूँ, तब तक के लिए मिलता है। हे गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड एंड